Assalamualaikum everyone and welcome back to another tutorial of graphic designing। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का विजिटिंग कार्ड बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए बनाएंगे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का विजिटिंग कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरेड्रॉ को ओपन कीजिए और न्यू फाइल को क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे हम इसके साइज को रीसाइज करके बिजनेस कार्ड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे, एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा। वर्किंग एरिया पे F4 करेंगे तो आपके सामने जूम हो के आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें वाइड फिल करेंगे और इसकी जो आउटलाइन है उसको राइट क्लिक करके क्रॉस पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पिक टूल ले लेना है और व्हील की मदद से इसको जूम आउट कर लेना है और इसकी एक कापी बनाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके होल्ड रखें और मूव करें, साथ ही राइट क्लिक प्रेस करें तो कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनाने के बाद हम इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे और इसका जो साइज़ है वो 4 रख लेंगे, 4 इंच बाय 2 इंच, ठीक है। और इसका जो रोटेशन है उसको हम 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। अब राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल इसके अंदर क्लिप हो जाएगा। और उसके बाद हम इसका मूव करेंगे, थोड़ा सा एडिट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखें। एडिट करने का तरीका है कंट्रोल प्रेस करके रखें और जिस क्लिप को आप एडिट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें तो एडिट हो जाएगा, उसके इनसाइड में चला जाएंगे आप, ठीक है। और उसके बाद आप इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर चेक करें, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ हमने रखना है इसको और इसके बाद हम यहाँ से फिनिश कर देंगे या फिर कंट्रोल प्रेस करके रखें, अपने डेस्कटॉप एरिया पे क्लिक करें और आपका एडिट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम एक और रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, और इसका जो हाइट है वो 0.85 रखेंगे और इसका जो कलर है वो हम ग्रीन अप्लाई करेंगे। क्योंकि जिस भाई का हमने आज बिज़नेस कार्ड बनाना है उसका जो कलर है थीम, जो उसका लोगो का कलर है वो ग्रीन है, ग्रीन लाइट और डार्क, ठीक है, तो वो हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। आउटलाइन इसकी रिमूव करेंगे और इसको भी 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। 45 डिग्री पे रोटेट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको इस तरह। और इसको राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड करेंगे और इसके अंदर क्लिप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक रेक्टेंगल लेंगे और इसका जो साइज़ है वो हम रखेंगे 1.5 बाय 1.5 और इसको 45 डिग्री पर रोटेट करेंगे और इसका जो कलर है वो हम ग्रीन ही रखेंगे। यहाँ पे लाइट, यहाँ पे डार्क, ठीक है। आउटलाइन इसकी रिमूव करेंगे और इसको जो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, इंटरेक्टिव फिल टूल से इस तरह कलर ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर से। और इसी की एक कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको भी कलर यहाँ पे इस तरह बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ लाइट और डार्क का शेड अप्लाई करेंगे और इसको भी राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड और इसको भी राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे। तो ये हमारी शेप क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो लगानी है, यहाँ पे QR कोड लगाना है और यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ नहीं, ये जस्ट डिज़ाइन रहेगा। यहाँ पे हम एक लोगो लगाएंगे और इसके साथ ही हम एक इसकी फ्रंट शेप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे, एक और रेक्टेंगल बनेगी, उसको मूव करेंगे नीचे की तरफ फ्रंट साइड बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक रेक्टेंगल लेंगे 1.1 का और इसको 45 डिग्री पर रोटेट कर देंगे और इसका जो कलर है वो हम रखेंगे ग्रीन ही। ग्रीन कलर फिल करने के बाद इसकी आउटलाइन को रिमूव करेंगे यहाँ पे क्रॉस पे राइट क्लिक करके
इसको मूव करेंगे यहाँ पे, तो इस जो ये जो लाइन है ये आपकी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, मेरे को कॉर्नर पे। तो ये हमारी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको एम्प्टी कर दें, आउटलाइन रखें जस्ट, तो यहाँ पे हम इंटरेक्टिव स्मार्ट फिल टूल की मदद से दो शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और इनको डिलीट कर देंगे और इनमें अब कलर फिल कर लेंगे। इसको करेंगे हम ब्लैक और लाइट और डार्क ब्लैक, ठीक है, इस तरह, और इसको कर लेंगे ग्रीन, लाइट और डार्क, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन रिमूव करेंगे, थोड़ा सा अगर साइज इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसी की एक कॉपी बनाएंगे और यहाँ से मिरर वर्टिकली करेंगे और ये कॉपी यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारी फ्रंट शेप तैयार हो गई। यहाँ पे हम लोगो और नेम और जो ये कंपनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा। अब जिस भाई ने कमेंट किया था उसका हमने लोगो पिक करना है, तो इसके चैनल पे चलते हैं, ये इसका चैनल है, यहाँ से हमने इसका लोगो पिक करना है। तो यूट्यूब से डायरेक्टली आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे अब एक्सटेंशन पे, हॉवर जूम के नाम से ये वाली एक्सटेंशन है। तो इससे क्या होगा कि ये आपका जो लोगो है इस पर माउस लेके जाएंगे ना कर्सर, तो ये आपका जूम हो जाएगा। यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे प्रिंट स्क्रीन से, तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप कोरल में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम उसके लोगो को इंपोर्ट करते हैं, ये आ गया जो लोगो, और यहाँ पे सेंटर में रखेंगे। सेंटर करने के लिए लोगो को सेलेक्ट करें, शिफ्ट पकड़ के रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें, सी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसका नेम लिख लेंगे नेशनल, यहाँ से इसको सेंटर करेंगे, और उसके बाद इसका जो फॉन्ट है वो माउंट हैवी डेमो रखेंगे, इसको रीसाइज कर लेंगे, कंट्रोल के करेंगे तो दोनों लाइन्स अलहदा अलहदा डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड लाइन का हम एच के नोवा मीडियम फॉन्ट रखेंगे और इसको थोड़ा सा पास करके कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट करेंगे, सी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाद इसको रीसेट कर लेंगे। इसका जो कलर है वो ब्लैक ही रखें जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे और थोड़ा सा साइज को इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा आ गया लोगो, और साइज मेरे ख्याल छोटा ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम इसकी बैक साइड को रेडी करेंगे, इसी को उठाएंगे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब होता है क्यूआर कोड, क्यूआर कोड कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने इसके चैनल के लिंक को कॉपी करना है, ठीक है, और ये वेबसाइट है क्यूआर कोड जनरेटर, गूगल पे टाइप करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके जो यूआरएल है इस पर क्लिक करेंगे और इस पर यूआरएल पे उसका जो लिंक कॉपी किया कंट्रोल वी की मदद से वो पेस्ट करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो उसका क्यूआर कोड बन के आ जाएगा। अब इस क्यूआर कोड को जो भी स्कैन करेगा वो डायरेक्ट उसके चैनल पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे इसको डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया क्यूआर कोड, और यहाँ पे हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक कीबोर्ड का अक्स लगाएंगे इमेज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है, इसको छोटा करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड करेंगे, इसके अंदर रैप दोबारा से पावर क्लिप इनसाइड, ये ब्लैक वाले रेक्टेंगल के अंदर दोबारा से एडिट करेंगे और इसको जूम कर लेंगे, ठीक है।
जूम करने के बाद इसको दोबारा से ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे, यहाँ से यूनिफॉर्म करेंगे और यहाँ पे जाके इसको नीचे से थर्ड बॉक्स 30% इसको अप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको फिनिश कर लेंगे। तो ये चेक करें, हमारे पास बहुत खूबसूरत सा अक्स बन के आ गया। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट इन्फो अप्लाई करेंगे। अगर आप इसको और ज़्यादा मध्यम करना चाह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी में जाके यहाँ पे सेकंड बॉक्स या फर्स्ट बॉक्स पे लगा लें, ठीक है, तो और ज़्यादा मध्यम हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट इन्फो बना के रखी हुई है, उसको एडिट करके आप अपने बिजनेस कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो अप्लाई होगी, ठीक है, इसको करेंगे वाइट कलर, थोड़ा सा ग्रे था, ग्रुप कर लेंगे। तो ये जो कॉन्टैक्ट इन्फो, इसका फॉन्ट है एच के नोवा मीडियम, गूगल करेंगे आपको इजीली एच के नोवा मीडियम फॉन्ट मिल जाएगा, फ्री में है। और इसके बाद अगर यहाँ पे आ जाएगा नेम, बाई नेम, नेम तो नहीं बताया मुझे, वो यहाँ पे एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं, नेम यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और लोगो की ज़रूरत नहीं है, लोगो हमने लगा लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हमारी बैक साइड रेडी हो गई और ये हमारी फ्रंट साइड रेडी हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम इसको करते हैं जूम और अलग अलग ग्रुप F4 करेंगे और यहाँ पे फुल स्क्रीन प्रीव्यू देंगे। तो अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं CDR फॉर्मेट में, तो यहाँ से आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और खुद का बिजनेस कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर पहले से नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।